बोले मैं ऊंचा उड़ रहा हूं, ये मेरा सुपर नेचुरल का साल है। हा। मैं 10 साल का एक साल में कर रहा हूं और वो अनुग्रह मेरे अंदर काम कर रहा है। खुश होकर बोली बोले वो अनुग्रह मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं 10 साल का काम एक साल में कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कीप योर माइंड ऑन दोज वर्ड्स। प्रेज द लॉर्ड। उन अपना दिमाग उन वचनों पे लगाए रखिए। जब आप सुबह उठें तो अपने दिन की शुरुआत कीजिए उन शब्दों के साथ। सोने से पहले भी अपने को ये चीज़ें याद दिलाइए ताकि हर समय वो अनुग्रह आपके जीवन में परिणामों को पैदा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का हमारा मैसेज है, उसका टाइटल है योर सीड एंड योर फ्यूचर। आपका बीज और आपका भविष्य। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर व्यक्ति एक सुंदर भविष्य चाहता है। कम ऑन, कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं। नहीं चाहता है? हर आदमी एक सुंदर भविष्य की कामना करता है और वो हमेशा भविष्य जानना चाहता है। बट ब्यूटिफुल थिंग हैव बीन रिवील्ड टू अस इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में हमें सुंदर चीजें बताई गई हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के लिए इतिहास है और हमारा भविष्य परमेश्वर में सुरक्षित है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं किसी को नहीं पता कल क्या होगा, मुझे पता है कल क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी मत सुनिएगा उन लोगों को। और स्पेशल कभी कभी क्रिश्चियंस भी कह देते हैं, पास्टर्स भी कह देते हैं चर्चेज में, कौन जानता है कल क्या होगा। मैं जानता हूँ कल क्या होगा। हालेलुया। मुझे अपना भविष्य पता है कि कल जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहते क्या पता कल बीमारी आ जाए। नहीं, अगर आ भी जाएगी तो मुझे छू नहीं पाएगी क्योंकि मेरा भविष्य मेरा जीवन यीशु मसीह में सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी भविष्य के लिए डरिएगा मत, कभी भी भविष्य की चिंता मत कीजिएगा कि मेरा क्या होगा। यू ऑल हैव टू डू इज टू स्टे इन गॉड। आपको केवल एक ही चीज करने की जरूरत है, परमेश्वर में बने रहिएगा। और परमेश्वर में बने रहने का मतलब है उसके वचनों को करते रहिएगा एंड एवरीथिंग विल फॉल इट एट इट्स प्लेस। हर चीज को सही जगह पर आना पड़ेगा। दैट्स अ डिवाइन लॉ। एक दैवीय नियम है जो काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस मोर देन यू कैन एवर बी। परमेश्वर आपकी सफलता आपसे कहीं अधिक चाहता है। अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो वो करोड़पति बनाना चाहता है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते तो आपको अरबपति बनाना चाहते हैं। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस, मोर इंटरेस्टेड। अगर आप 10 आत्माएं जीतना चाहते तो वो आपसे 50 जितवाना चाहते। He is more interested. अगर आप चाहते हो कि पूरा शहर आपको जान जाए तो वो चाहता है कि पूरा देश आपको जान जाए। Praise the Lord, you know? He is more interested. He has good, you know, Bible says, the thoughts God has for us, they are of good and not of evil. जो विचार परमेश्वर के पास हमारे लिए हैं वो अच्छाई के हैं, बुराई के नहीं है। Hallelujah. So you have to be confident of your future. आपको अपने भविष्य के लिए आश्वस्त रहना है। We are not like unbelievers. हम अविश्वासियों की तरह नहीं हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि कल क्या होगा। कल किसी ने नहीं देखा, एक ने देखा है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कहते हैं ना कल किसी ने देखा, पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कल किसने देखा है? नहीं देखा है। और उसने कल में देखकर कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कल को देखकर कहा तुम जयवन से बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। उसने सारी चीजें देख रखी हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, आदि और अंत। उसी से शुरुआत है, वही शुरुआत है और वही अंत है। और उसने कहा है मैं शुरुआत हूं और मैं अंत हूं, तुम्हारा जीवन मुझ में छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह सकते हैं मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरा भविष्य महान है। अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य महान है, बट आपका भविष्य आपके पास अपने आप नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से बोल देता हूं। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य महान है, पर आपका भविष्य आप तक नहीं आएगा। आपको अपने आप को अपने भविष्य में लेके जाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट।
जो आपको परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वो अपने आप नहीं आएगा। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि आप ट्रेन में ना मुंबई से पुणे, पता है ना पुणे कहाँ, पुणे पता है सबको, पता है पुणे, और मुंबई से पुणे ट्रेन जाती है, कितनों को पता पुणे आगे है, मान लेते हैं पुणे आगे है, कहाँ है, कितनों को पता पुणे है, और मान लेते हैं पुणे यहाँ से 200 किलोमीटर, अभी मुंबई में समुद्र है तो मुंबई से शुरुआत होती है, तो मान भी सकते हैं ना कि मुंबई के पीछे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि समुद्र है, तो हम ये मान सकते हैं कि मुंबई से आगे क्या है, हेलो, क्या मान सकते हैं मुंबई से आगे, पर पुणे आपके पास नहीं आए, आपको पता है पुणे वहां है, आपको पता है पुणे वहां, पर पुणे मुंबई नहीं आए, ना मुंबई पुणे जाएगा, जाना किसको होगा, आप। वैसे ही आपका वर्तमान भविष्य में नहीं जाएगा और भविष्य वर्तमान में नहीं आएगा, आप ही को जाना पड़ेगा वर्तमान से भविष्य में। हालेलुया, सुन रहे हैं, समझा पाया, आप कहो मैं अपने भविष्य में खड़ा रहूंगा और भविष्य मेरे पास आ जाएगा, नहीं आएगा, भविष्य 22 तारीख नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, सुनाई दिया आपको, आज की तारीख है 21, तो भविष्य कल नहीं है, इसलिए आप कितना भी भविष्य फल देख लो वो कभी काम का नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्तर में कोई समय नहीं, तो भविष्य 22 तारीख नहीं है। आपको हमें अपने भविष्य में पहुंच गया, मैं 22 तारीख में आगे नहीं पहुंचे, भविष्य इस अ प्लेस, वो अपने आप में एक जगह है, हालेलुया, वो तारीख नहीं है, वो साल नहीं है, वो महीना नहीं है, हेलो हेलो हेलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेनी डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे डोंट डू एनीथिंग फॉर देयर फ्यूचर, वो अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं करते हैं, इनफैक्ट उनको पता ही नहीं है कि उनको अपने भविष्य के लिए कुछ करना है, वो तो कहते हैं जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, ऐसा नहीं होगा, जो आपका है वो आपके पास आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर से बोलिए, जो आपका है आपके पास आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, सुन रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जहां का हवा पानी है इंसान वहां पहुंच जाता है, ये सब बकवास है, प्रेज द लॉर्ड, क्या है, क्या है, बकवास, गलत है, झूठ है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, तो भविष्य तारीख नहीं है, भविष्य दिन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, तो हम भले ही कह रहे हैं कि 10 साल का काम हम किस में करेंगे, 1 साल में, वो हमें आप इंसान की समझ के हिसाब से बोलना पड़ रहा है, पर इस अ प्लेस, क्या है वो, इस अ प्लेस, यही कारण है कि हम कह पा रहे हैं कि 10 साल का काम किस में हो जाएगा, 1 साल में, क्योंकि हमें पता है वो जगह है, क्या है, भविष्य क्या है, एक जगह है, और परमेश्वर के वचन ने बताया जो जिस जगह पर हम 10 साल में पहुंचते उस जगह में कितने साल में पहुंच जाएंगे, 1 साल में, हालेलुया, सो इट्स अ प्लेस, ये क्या है, एक जगह है, बोल सकते हैं भविष्य एक जगह है, भविष्य एक जगह है, वो दिन तारीख महीना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा भविष्य होता क्या है, बहुतों को पता ही नहीं भविष्य क्या है, तो भविष्य को मान लेते हो कल, कल क्या होगा, कल मेरा भविष्य, वो भविष्य नहीं है, That's a place, वो एक जगह है, अपने आप में एक जगह है, एंड जैसे मैंने कहा कि पुणे वहां है और मुंबई यहां, और हमें क्या करना पड़ेगा, मुंबई से पुणे जाना पड़ेगा, वैसे ही आपको भी अपने वर्तमान से कहां जाना पड़ेगा, भविष्य, यू हैव टू गो, इफ यू डोंट डू एनीथिंग यू विल स्टे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप अपने वर्तमान में जिंदगी भर बने रहोगे, एंड दैट्स व्हाई मैंने से वो परमेश्वर ने मुझसे कहा था ये मेरे साथ होगा, ये मेरे साथ होगा, ये मेरे साथ होगा, और कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने वर्तमान से भविष्य में चले नहीं, परमेश्वर ने दिखा दिया ये भविष्य है, पर अब आपको चल के जाना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसने बता दिया, यही बहुत है, सो डोंट, वी कांट जस्ट सिट डाउन, हम बैठ नहीं सकते हैं और आशा करें कि वो भविष्य हमारे पास आ जाएगा, वी हैव टू ट्रेवल टू दैट फ्यूचर, हमें उस भविष्य में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अब मान लीजिए मैं कहूं, आप कहो मेरा भविष्य यह है कि शाम को मैं पुणे में होऊंगा और आप मुंबई से चलो ही नहीं, तो आपका भविष्य क्या है, मुंबई या पुणे, आप टिकट भी खरीद लो बस में ना चढ़ो, आपका भविष्य क्या है, पुणे मुंबई, समझ रहे, सो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड फ्यूचर, मैनी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंड, सो थैंक गॉड वी हैव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, हमारे पास वचन से वो है, समझ है कि
हमारा भविष्य अपने आप हमारे सामने नहीं आएगा. वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर लॉज, हमारे पास एक उत्तरदायित्व है, नियम है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं और कहां पहुंच सकते हैं, अपने भविष्य में. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज. और उसमें से एक है योर सीड एंड योर फ्यूचर, आपका बीज और आपका भविष्य. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. योर फ्यूचर इज अटैच्ड टू योर सीड, आपका भविष्य आपके बीज से जुड़ा हुआ है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सुन रहे हैं, कह सकते हैं मेरा भविष्य मेरे बीज से जुड़ा हुआ है. सिंपल, एक किसान से पूछें कि उसकी फसल किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, उसके बीज पर. हमारा है, अगर किसान बीज ना बोए तो उसका भविष्य क्या है, अकाल या फसल. हेलो, अब ये नहीं कहो ओ मान लीजिए मार्च का समय चावल का होता है, यहाँ पे किसका होता है, चावल का, गेहूं का, चलिए मार्च का समय किसका है, गेहूं का, पर बोने का समय कब था, अक्टूबर. अगर अक्टूबर में गेहूं नहीं बोया तो मार्च में गेहूं आएगा, तो भले ही मार्च समय किसका है, गेहूं का, पर उसी के लिए आएगा मार्च का समय गेहूं का जिसने अक्टूबर में क्या बोए है, जिसने अक्टूबर में बीज नहीं बोए उसके लिए मार्च समय फसल का है या अकाल का है. प्रेज द लॉर्ड. सो योर सी, योर फ्यूचर इज अटैच्ड टू योर सीड, आपका भविष्य किससे जुड़ा हुआ है, आपके बीज से. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू वॉन्ट टू एंटर योर फ्यूचर, यू द व्हीकल टू कैरी यू इन टू योर फ्यूचर इज योर सीड. वो व्हीकल, वो बस, वो ट्रेन, वो प्लेन जो आपको आपके भविष्य में लेके जाएगी वो क्या है, आपका बीज. यू विल सिट ऑन योर सीड एंड यू विल एंटर इन टू योर फ्यूचर. आप अपने बीज पर बैठकर ही अपने भविष्य में जा पाओगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. नहीं तो आपका भविष्य आपके लिए क्या रहेगा, एक सपना रहेगा, एक कल्पना रहेगी. एंड दैट्स मैनी हैव यू नो मैनी आर इन दैट प्रेडिकमेंट, स्पेशली क्रिश्चियंस, कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी वो पूरी क्यों नहीं हुई. वो भविष्यवाणी पूरी अपने आप नहीं होगी. वेयर इज योर सीड, वो आपका बीज कहाँ है. हालेलुया, हालेलुया. जब पास्टर ने कहा ओ इस साल तुम अपने घर में एंट्री करोगे, ओ आप कहते हो वाह मैं अपने घर में एंट्री करूंगा, पर आपका बीज कहाँ है. जब पास्टर ने कहा हम 10 साल का एक साल में करेंगे, आप कहते हो हाँ मैं करूंगा, अब आपका बीज कहाँ है. All those things are attached to your seed. They're attached to your seed. You know, आपके पास कोई इंसान आए और कहे तुम मुझे भैया कुछ मत देना, मैं तुम्हारा पैसा 2 साल में 5 गुना कर दूंगा. आप कहोगे पागल बना रहे, सुबह सुबह आ गया, कुछ नहीं दिया तो 5 साल बाद डबल करके क्या देगा, वो कुछ भी नहीं देगा. वो कितनी भी अच्छी स्कीम क्यों ना, एक साल में पैसा 10 गुना, 2 साल में पैसा 20 गुना, बट अगर उसमें पैसा ही नहीं है तो वो स्कीम क्या है, जीरो है. क्या है, एम आई करेक्ट. तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि ओ 10 साल का एक साल में, परमेश्वर ने कहा हम में से कोई किराए के घर में नहीं रहेगा, हमें लीज पर घर नहीं लेना पड़ेगा, हम अपने अपने घरों में जाएंगे. ओ आप कहोगे वाह ये चर्च वाले कह रहे हैं, देखता हूं ऐसा होगा या नहीं होगा. आप देखते रहो, जिन जो मान लेंगे बीज बो देंगे वो चले जाएंगे, आप किराए के घर में रह जाओगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. और अगर आप चेक करने आओगे तो नहीं होगा, इट्स बाय फेथ, ये आपके विश्वास के द्वारा. डू यू बिलीव इन व्हाट हैज बीन सेड, क्या आप उसमें विश्वास करते हो जो कहा गया है. एंड वंस यू बिलीव द फर्स्ट थिंग, वंस यू बिलीव इन व्हाट गॉड हैज सेड, सीड कम्स आउट नेचुरली. जब आप विश्वास करते हो जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है, सबसे पहली चीज जो आपकी आत्मा आपको बताएगी वो होगी बीज बो, बिकॉज गॉड नोज इट. मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको पता लग जाए मैंने इस चीज में विश्वास किया है या नहीं किया है, अगर आपकी आत्मा से आवाज नहीं आई कि उस चीज को पूरा करने के लिए क्या बीज देना है, अभी तक आपने विश्वास नहीं, यू हैव नॉट बिलीव. बिकॉज वंस यू बिलीव गॉड नोज इट, इट्स अ लॉ, ये नियम है, ये नियम है. प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उस नियम को नहीं तोड़ सकता. सो वंस ही नोज यू हैव बिलीव्ड,
जब उसे पता है आपने विश्वास कर लिया है, अब वो अपने आत्मा के द्वारा आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप क्या वो बीज, क्योंकि उसे पता है जो उसने प्लान किया है वो अपने आप आपके पास नहीं आएगा, अभी भी आपको ही वहां तक जाना पड़ेगा। और उस वहां तक जाने के लिए एक ही तरीका है, क्या है? आपका बीज। वो ट्रेवल लाइन सुन रहे हैं, वो क्या है? आपका बीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So you have to learn to be smart. You know, in a church, oh, मैंने कहा कि मान लो आपका ये हफ्ता चमत्कारों से भरा हुआ है, जहां पर आपका पैसा रुका हुआ है वो आएगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ आता है, कुछ लोगों के साथ नहीं। कुछ लोग क्या करें, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे विश्वास है आएगा, ये रहा मेरा बीज। Praise the Lord. That's how this world works. Praise the Lord. आप मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं, मतलब होता है ना वो जुआ, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अभी जुआ होता है ना कि भाई दस दस नंबर पे लगाओ, दस नंबर पे ना चक्रा घूमता है, होता है ना चक्रा घूमता है, उसमें दस नंबर पे लगाओ, दस नंबर पे लगाओ, दस नंबर पे लगाओगे तीन गुना हो जाएगा, दस नंबर पे लगाओ तीन गुना हो जाएगा। अब लगाओगे तभी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देखते रहो, देखूंगा जब आ जाएगा तब लगाऊंगा, अब नहीं। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि जो बोल रहा है प्रेज द लॉर्ड सच है या नहीं। स्पिनिंग के पहले लगाना पड़ेगा, आप बीच में नहीं लगा सकते, और रुकने के बाद तो कुछ होने वाला ही नहीं है। हालेलुया। सो यू हैव टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वंस यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, यू पुट योर मनी डाउन। जब आप विश्वास करते हो कि चक्रे में क्या आएगा, दस नंबर आएगा, क्या तुझे कैसे पता दस नंबर आएगा, आप कहते अच्छा मुझे पता, ये रे पैसे है, मुझे पता आएगा, तब सामने वाला जो खिला रहा होता है उसे भी लगता है आपने क्या किया है, विश्वास किया है। फ्री के विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। है क्या? आप वहां खड़े होके सबको बताते रहो, दस नंबर आएगा तू दस पे लगा, सत्रह आएगा तू सत्रह, जो लगाता जाएगा वो पाता जाएगा। आप जो ज्ञान बांट रहे थे वो खाली हाथ घर जाने वाले हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच है या नहीं? वो क्या लेके जाएगा जो बता रहा है, वो क्या लेके जाएगा? कुछ लेके जाएगा। वैसे पास्टर ने भविष्यवाणी की है, पास्टर घर में नहीं जाने वाले, पास्टर अपने घर में पहले से रहते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं? इट इज यू हू हैव टू एंटर दोस थिंग्स। आप हो जिनको उन चीजों में जाना है। सो इट हैज टू बी योर सीड, इट हैज टू बी योर सीड। कैरी योर सीड ऑल द टाइम। यू डोंट नो व्हेन द वर्ड विल बी गिवन, कब वचन दिया जाएगा, और आप अपना विश्वास उसके साथ दिखा पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स हाउ यू मेक द वर्ड योर्स। इट्स नॉट जस्ट बाय लिसनिंग एंड कन्फेसिंग ओनली, दे आर बिगर लॉज एट वर्क। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े नियम भी काम कर रहे हैं, एंड दैट एन लॉ ऑफ सीड। बाइबल बताती है कि एक राजा था जिसको सारे राजाओं ने, इज़राइल के राजाओं ने घेर लिया था, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं उसको हरा दूंगा, तुम लोग जाओ उस पर चढ़ाई करो। तो बाइबल बताती है कि जब लड़ाई बहुत तेज होने लगी और उसको लगा कि अब वो हार जाएगा, उसने अपना बेटा लिया और बलिदान कर दिया। और बाइबल कहती है उस दिन, उस क्षण से इसराइली हारने लगे, जिनके लिए परमेश्वर ने खुद कहा था कि ये क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, वही लोग हारने लगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उस राजा ने क्या कर दी, एक ऐसा बीज चढ़ा दिया जो बहुत ही महान था, उसके सामने कोई लड़ नहीं पाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो व्हेन यू आर सेइंग ओ ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी, आप कहते हो मुझे कैसे सेटल करना है, मुझे पता, उनको नहीं पता क्या करना है, वो जाके मंत्री से बात करेंगे, आप क्या करोगे, चर्च में जाके अपनी सीट रख दो, आपको मामला सेटल। हालेलुया। सुन रहे हो? कोर्ट में केस चल रहा है, उसने कहा बड़ा वकील, बोले चिंता मत कर, मेरे को पता है इसका तरीका क्या है, तू वकील लेके आ, मैं चर्च में जाके सेटल करता हूँ इस चीज को आज ही। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा सकते हैं, ऐसी कोई बात सही है ना? So many are saying, पास मेरा कोर्ट केस चल रहा है, प्रार्थना करो। कोर्ट केस में प्रार्थना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बीज। ये चीजें किससे सेटल होंगी? बीज। और दस रुपए का बीज नहीं, जो आप भी मतलब प्यास लगे तो आप बीस रुपए की बोतल ले लो, दस रुपए का बीज सो कर दो, आपका ही विश्वास नहीं है। बहुत से कहते बीज कितना बड़ा होना चाहिए जिससे आप हिलो, जो आपको याद रहे कि मैंने कुछ दिया है। ये नहीं कि आप देखे भूल जाओ, बोले पिछली बार चर्च में कितने पैसे दिए थे, याद ही नहीं। अगर आपने एक लाख दिए तो आपको याद रहेंगे, मुझे पता क्या कह रहा हूं, छोटा दान याद नहीं रहता, बड़ा याद रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सच है या नहीं? तो कोई कहे मेरे लिए मेरा बीज कौन सा है, वो जो आपको याद रहे, जो आपके लिए वैल्यू वैल्यूबल हो। क्या हो? मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऑटो वाले से एक दो रुपए की लड़ाई लड़ता है। लड़ता है कोई? कोई नहीं लड़ता ना आजकल।
कहते छोड़ना एक दो रुपए, और 50 रुपए की बात हो आपको भाई छुट्टा दे, मैं खड़ा हूं, 2 रुपए आप ले जाओ भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 रुपए से आपको फर्क, 50 से फर्क पड़ रहा है। तो वैसे ही आपका बीज, आपको मेरा बीज क्या है, वो जो आपको याद रहे, वो जिसके लिए जिसमें आपकी क्या लगी है, मेहनत लगी, प्रेज द लॉर्ड, जो आपने सोच समझ के दिया है कि मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज के लिए कर रहा हूं, जिसमें आपकी, जिसमें आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपने प्रार्थना की है, प्रेज द लॉर्ड, जिस पर आपने प्रार्थना की, आप सुन रहे हैं, हेलो सुन रहे हैं? अब कितने लोग बैंक में पैसा जमा करने गए, क्या किया आपने, बैंक पे गया, काउंटर पे पैसा दिया, निकल आए, क्या भरा था फॉर्म, उसमें क्या लिखा था, अकाउंट नंबर, क्या लिखा था कि ये पैसा किसके अकाउंट में जाना है, इस, वैसे जब आप सीड देते हो, उस सीड के ऊपर प्रार्थना कीजिए, ये सीड आप किस चीज के लिए बो रहे हो, हालेलुया, दैट सीड हैज इंटेलिजेंस, उस बीज के पास बुद्धि है। अगर आपने बिना प्रार्थना करे दे दिया तो उस बीज को पता ही नहीं मुझे जाना किस अकाउंट में, जैसे आप उस पैसे में लेके क्या कहते, आपने फॉर्म भरा था। सो सीड हैज इंटेलिजेंस, उस सीड के पास क्या है, इंटेलिजेंस, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप अकाउंट में पैसा भर दे तो आप घर जाके सो जाते हो, हेलो, घर जाके सो जाते हो, नहीं, आप चेक करते हो भरा भी, या आप रिकॉर्ड बुक में देखते हो कि भैया ये स्टेटमेंट में आया भी या, तो सीड बोने के बाद आप सो नहीं जाते हो, आप देखते हो कि मेरा फसल कब आ रही है, मेरी फसल कब आ रही है, जिस चीज के लिए मैंने बीज बोया था, आप अपनी आशा को जलाए रखते हो, आप उस बीज के लिए लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देते हो, आप लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हो, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ वो मेरा बीज मेरे लिए काम करके आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, ओ धन्यवाद परमेश्वर। आप ये नहीं करो मैंने बीज बोए थे सारे मेरे बीजों का कुछ नहीं, आपने बीज को मार दिया, आपको बीज को क्या रखना है, जिंदा रखना है, बीज को फॉलो करना है, हालेलुया। जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, आप पैसे को क्या करते हो, फॉलो करते हो कि आपके अकाउंट में रहे, अगर अगले दिन कोई निकाल ले तो आप फिर लड़ने जाते हो, मैंने तो बोया था कहां गया भाई, आप लड़ने जाते, प्रेज द लॉर्ड। आप चुपचाप नहीं बैठ जाते हो कि बैंक वालों ने खा लिया, कहते हो आप लड़ने जाते हो, आप कहते हो खा लिया। तो वैसे ही मत सोचिए, शैतान आपको बताएगा तुमने बीज बोया था खा लिया, कैसे कैसे खा लिया बेटा, बीज बोया था इसकी तो फसल आएगी, हालेलुया। तो शैतान, बहुत से लोग होता है बोले पास से 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है मेरा बीज किसी ने खा लिया, किसी ने खा लिया, ये शैतान है जिसने आपको बकवास बताई। उस बीज को पास बुद्धि है, ये आत्मिक चीजें, आपने प्रार्थना की थी किसके नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। ये बीज अब उसी जगह जाएगा जहां पर इसको जाना था, हालेलुया। पर आपको अपनी आशा बनाए रखनी, आपको अपना विश्वास जलाए रखना है, यू हैव टू फॉलो योर सीड, अपनी सीड के पीछे जाना है, उस सीड को छोड़ मत दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो योर सीड इज हैज द एबिलिटी टू कनेक्ट यू टू योर फ्यूचर, आपके बीज में योग्यता है आपको आपके भविष्य से जोड़ने की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट इज अपार्ट फ्रॉम टाइथ फर्स्ट फ्रूट, ये सब टाइथ फर्स्ट फ्रूट और पार्टनरशिप के बाद की चीजें हैं, आपको इन सब के बाद, हाँ, इट्स अबाउट यू, यू नो, गॉड ब्लेसेस यू फ्रॉम मल्टीपल स्ट्रीम, परमेश्वर आपको बहुत तरीकों से आशीष देता है, पर दुनिया को एक ही आशीष पता है, सैलरी की आशीष, बिजनेस के प्रॉफिट की आशीष, दुनिया को दूसरी आशीष पता ही नहीं, दे ओनली नो टू, तीसरी आशीष उनको समझ में, उनको पता ही नहीं है होती क्या, उनको दो ही आशीष पता है, पर परमेश्वर के पास मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर को आप मल्टीपल स्ट्रीम्स है। तो जब आप टाइथ दे रहे हो अपनी टाइथ की ब्लेसिंग पा रहे हो, जब आप अपनी ऑफरिंग दे रहे हो ऑफरिंग की अपनी ब्लेसिंग है, जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो पार्टनरशिप की अपनी ब्लेसिंग है, जब आप सीड सो कर रहे हो उसकी अपनी ब्लेसिंग है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको मैंने पार्टनरशिप करी थी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कम ऑन, आपकी पार्टनरशिप आपने किस लिए की थी, रैप्सोडी ऑफ रियलिटी के साथ, किसके साथ की थी पार्टनरशिप, किसके साथ करते हैं, रैप्सोडी के साथ, दूसरा हीलिंग स्कूल, तीसरा इनर सिटी मिशन, चौथा IMM, पांचवा कैंपस मिनिस्ट्री, छठा टीवी मिनिस्ट्री, यू नो, लव वर्ड टीवी, लव वर्ड, इन सब के साथ करते हैं, सही है कि नहीं, पर इन सब से क्या हो रहा है, आत्माएं जीती जा रही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हो सकता है ये जो आपने पार्टनरशिप की है इसका आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो अभी दिखाई ना दे,
पर हां सच ये है कि उनसे जो आत्माएं जीती जा रही हैं वो आपके खाते में जुड़ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चार पॉइंट और हैं कि आपका सीड, आपकी सीड क्या है? आपकी मिशनरी है। क्या है? बोल सकते हैं मेरी सीड, मेरा बीज, मेरा मिशनरी है। मिशनरी क्या होते हैं? जो दूसरी जगह जाकर क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो जब आपने अपनी पार्टनरशिप की है तो वो सीड है। क्या है? पर वो सीड कौन से तरीके की है? मिशनरी सीड है। हालेलुया। कौन सीड है? मिशनरी सीड। ये जा रही है टीवी पे, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते वहां पर टीवी जा रहा है। हालेलुया। और लोग, हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में क्या देख रहे हैं? टीवी को देख रहे हैं। और वो किसको ग्रहण कर रहे हैं? यीशु मसीह। मैंने खुद यीशु मसीह को टीवी के थ्रू ग्रहण किया। मुझे किसी ने प्रचार नहीं किया आके। मैं टीवी देख रहा था, वहां से मुझे यीशु मसीह के बारे में पता लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो योर सीड इज योर मिशनरी। प्रेज द लॉर्ड। योर सीड इज योर प्रीचर। आपकी आपकी सीट क्या है? आपका पास्टर है। प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता है कैसे प्रचार करना है, पर जब आपने रैप्सोडी ऑफ ग्रेटी में पैसा लगाया और हमने उसको बांटा, अब आप क्या कर रहे हो? प्रचार कर रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? सो डोंट ओनली थिंग। तीसरा है कि योर सीड इज योर इवेंजलिस्ट। क्या है? इवेंजलिस्ट। वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। अलग अलग तरह की सीड्स हैं और उनकी अलग अलग तरह की ब्लेसिंग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यू कांट एक्सपेक्ट दिस सीड टू प्रोड्यूस अनदर रिजल्ट। आप गेहूं का बीज बो के चावल की आशा कर रहे हो? नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो व्हेन यू वांट मनी, सो मनी सीड्स। बोलो मुझे जरूरत नहीं। ओके, पैसा पड़ा। मनी सीड्स। सो मनी सीड्स। पैसे के बीज बोइए अगर आप पैसे के रिटर्न की आशा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. But remember, you will not enter your future just by wishful thinking. केवल इच्छा करके आप अपने future में नहीं जाओगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपको बहुत सारे पास्टर भी मिल जाएंगे जो बता रहे हैं, ओ मेरे बारे में ये घोषणा हुई थी, मेरे बारे में ये घोषणा हुई थी। मैंने कि ओके थैंक यू, मुझे पता आपको क्या नहीं पता है, आपको बीच की वैल्यू नहीं पता है। Hallelujah. Praise the Lord. सुन रहे हैं? मुझे उनको, मुझे समझ में आया उनको क्या नहीं पता है। जो उनको पता होना चाहिए था, उन्हें क्या पता होना चाहिए था? बीज की वैल्यू। किसकी वैल्यू? बीज की वैल्यू। आई सो माई सीड्स। ईच पास्टर इन क्राइस्ट एम्बेज सो देयर सीड्स। हम अपनी सीड चर्च में सो नहीं करेंगे, पास्टर क्रिस के साथ सो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज वी अंडरस्टैंड द वैल्यू। हमें अपनी लाइफ की वैल्यू पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट पास्टर फॉर होम ओनली कि जिसके लिए केवल भविष्यवाणियां हुई और जीवन में दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। हालेलुया। प्रोफेसीज कम टू पास इन माय लाइफ। मेरे जीवन में भविष्यवाणियां पूरी होती हैं क्योंकि मुझे पता है उस भविष्यवाणी के बाद अगला काम क्या करना है। ऑल्टर पर जाके क्या देना है? अपना बीज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर पास्टर क्रिस ये भी कह रहा है, ओ तुम अपने घर में जाओगे, उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसके बाद अपना बीज लेके आओ। मुझे पता है कि जब उन्होंने बोला ये एक प्रोफेसी है और मुझे उस प्रोफेसी को अपने जीवन में पूरा कराने के लिए अपना बीज लगाना पड़ेगा। हालेलुया। जब उन्होंने कहा 10 साल का, 1 साल में मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, अपना बीज देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब आप कोई कह सकता हो मैंने बीज बोया था पर जो आया वो बहुत बड़ा नहीं था। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये दूसरा बीज है, शायद ये फसल नहीं है। हालेलुया। जो आपके हाथ में आया अगर वो उतना बड़ा नहीं है जितनी आपने आशा की थी, तो आप क्या मान लो कि ये बड़ा बीज आया है ताकि आप अपनी बड़ी फसल तक पहुंच पाओ। हालेलुया। सच है या नहीं? ऐसे होता ना। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आपको 100 रुपए चाहिए होते हैं, आप पहले 10 रुपए का कुछ करते हो, 100 रुपए बन जाते, अब आप उस 100 रुपए को लगा देते हो, ऐसे ही होता है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम सब ऐसा ही करते, नहीं करते? तो जो आपके पास रिटर्न आया, अगर आपको लगता है ये मेरी फसल के अनुसार नहीं है, जिस फसल की मैं आशा कर रहा था, उसको दोबारा बो दीजिए और अपनी फसल को बड़ा बनाते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो योर फ्यूचर इज अटैच्ड टू योर सीड। कह सकते हैं मेरा भविष्य मेरे बीज से जुड़ा हुआ है। मेरा भविष्य मेरे बीज से जुड़ा हुआ है। मेरा बीज वो व्हीकल है, वो वाहन है जो मुझे मेरे भविष्य में लेके जाता है। अपने हाथों को उठाइए, अन्य भाषाओं में बोलिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको याद दिलाएगा वो सारी भविष्यवाणियां, वो सब जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो जाए, वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो जाए। दे अटैच टू योर सीट।
they are attached to your seed, they are attached to your seeds. वो आपके सीड से जुड़े हुए हैं.